आ रही थी जी। परिधि ये लो कपड़े, मीठी को दे देना धोने के लिए। मैं क्यों दूं? आप खुद दे दीजिए मीठी बहन को। अरे इस घर के सारे लोगों के काम तुम करती हो तो मेरा काम करने में क्या प्रॉब्लम है? पकड़ो, आपको देना है तो दो और नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं नहीं देने वाली। ये क्या बदतमीजी? हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप किंजल के स्वभाव से हम सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, पर बेटा अभी उसे हमारी जरूरत है। देखिए किंजल मैं, मुझे अब आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। परिधि, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम इस तरह मुझसे मुंह फेर के भाग नहीं सकती। दरवाजा खोलो, मुझसे अभी बात करो। आज इस बात का मैं फैसला करके रहूंगी। किंजल बहन इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या करूं मैं? म्यूजिक ऑन करती हूं, बोलने दो इन्हें। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा बाहर आओ। परिणी तुम इतनी बदतमीज हो, मैं यहां पर चिल्ला रही हूं और तुम अंदर म्यूजिक एंजॉय कर रही हो। किंजल, तुम चिल्ला क्यों रही हो? परिधि ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। आज तो मैं इससे सॉरी बुलवा कर रहूंगी। किंजल, जवाब देने धवल दिख रहा, इसे तो आदत हो गई है झगड़ने की। अभी तू कुछ इसे बोलेगा तो परिधि को छोड़कर तुझे काटने दौड़ेगी। हम जाके टीवी देखते हैं, इसे गला फाड़ फाड़ के झगड़ने दे। लड़ लड़ चलना। परिधि, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ओपन द डोर। व्हाट कायोस मैन, जिन पर इतना चिल्ला क्यों रही है? चलो देखते हैं। ओ मिस इंडिया शांति, तूने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया सबको सुधारने का? परदीप एक बार देखते हैं ना। जब किंजल फई दादी की नहीं सुनती तो तेरी कहां से सुनेगी? परदीप हमने से विद्या, यू प्रॉमिस मी कि तू यहां बैठ के मेरे साथ मूवी देखेगी। अब ये लो और चुपचाप मूवी देखो। विद्या, मीरा, परदीप, किंजल, कोई तो यहां। लगता है मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। अब मुझे ही बाहर जाकर परिधि और किंजल को रोकना पड़ेगा। क्या करूं? इसकी बैटरी खत्म हो गई। तुम कब तक अपने आप को इस कमरे में बंद करके रखोगी?
तुम्ही ने मेरे कपड़े फेंके थे ना, अब देखना आज मैं अपनी उसी इंसल्ट का बदला लेकर रहूंगी। कमाल है ये किंजल बेबी, चुप करने का तो नाम ही नहीं लेती, कितना बोलती है। बाप। राशि बेटा। हाँ बाप, मैं ही हूँ। क्या हुआ बाप? राशि बेटा, दरवाजा अंदर से बंद हो गया है और मैं कुर्सी से नीचे गिर गई हूँ। क्या? बाप, आप प्लीज मत रोइए, मैं अभी दरवाजा खोल दूंगी। मीरा दी, विजय दी। ए, क्या कर रही है तू वहाँ? तूने बाप का कमरा कहीं बाहर से बंद तो नहीं कर दिया? नहीं। हे भगवान! सही, धामल जी, परिधि, मीरा, विद्या, सब जल्दी आओ। देखो ये राशि क्या कर रही है। टीम, फई को क्या हुआ? कि किंजल फई ना एक नंबर की ड्रामा क्वीन। नहीं दी, मुझे लगता है इस बार मामला सीरियस है। चलो देखते हैं। चलो चलो ना जल्दी। परिधि दरवाजा खोलो। अब कौन सा नया नाटक है ये? मेरे लिए ना सही, पार्क के लिए दरवाजा खोलो। वाह, देखो तुम्हारी लाडली राशि ने क्या कर दिया। भाई धवल जी जल्दी बाहर आइए। ए, क्या कर रही है तू यहाँ पर? वो सच बोल, और बाप का दरवाजा बाहर से बंद कर रही थी? नहीं भाई, मैं तो चुप, सब जानती हूँ मैं, तू भी अपनी माँ से कम नहीं है। किंजल बेटा, दरवाजा खोलो ना, मैं व्हील चेयर से नीचे गिर गई हूँ बेटा। क्या? बा, 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 तूने ऐसा क्या किया जो बा अंदर गिर गई? हाँ बता, नहीं तो देर यू किंजल, अपनी हिम्मत कैसे हुई राशि पे हाथ उठाने की? अरे ओ, पहले देखो कि ये तुम्हारी लाडली बेटी ने क्या किया। बा को अंदर कुछ ऐसा किया कि वो गिर गई है। बा, परिधि जल्दी दरवाजा खोलो। पहले आप खुद देखिए किंजल बेन, दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से बंद है। क्या हुआ काकी? बा के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया और बा नीचे गिर गई है। अब क्या करेंगे? हमें कुछ भी करके दरवाजा खोलना ही होगा। पर अगर दरवाजा अंदर से बंद है तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं धवल जी, हम दरवाजा नहीं तोड़ सकते। अगर दरवाजा तोड़ दिया और बा के ऊपर गिर गया तो? नहीं। ओह नो, अब क्या करें? भैया, क्या ये दरवाजे का लॉक लोहे का है? हाँ बेटा, मैंने अपने फिजिक्स के बुक्स में पढ़ा था कि मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है। राइट। ये वही बुक है ना जिसमें पढ़कर तुमने यहाँ सबकी बैंड बजाई थी? इना, इना, किंजल बहन, जो आपके मन में आ रहा है बोलती जा रही है। कम से कम ये तो सोचिए कि बच्चे के सामने क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। सोलू, तुम जाकर मैग्नेट लेकर आओ जल्दी। आशी, ये मैग्नेट से दरवाजे की कड़ी खुल जाएगी। हाँ। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, हम सब है ना बाहर, बस दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है परिधि। स्टॉपर खुल रहे शायद। दिखरी, आज अगर राशि ना होती तो पता नहीं बा कब तक कमरे में बंद पड़ी रहती। शाबाश राशि दिखरा, वो मैं तो बस
रहने दीजिए किंजल मैम, तो लो तुम जल्दी से जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। ओके मैम। मीठी मैम आप जल्दी से बाकली काढ़ा बना दीजिए, उन्हें दर्द हो रहा होगा। डॉक्टर को फोन करती है, डॉक्टर बस आता ही होगा। हमें एक बार बाका एक्सरे करा लेना चाहिए, कहीं कुछ फ्रैक्चर वैक्चर निकला तो। मैं ठीक हूँ धवल दिकरा, अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। बा, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम एक्सरे करवा लें। मुझे तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि दरवाजा अपने आप अंदर से बंद कैसे हो गया। किंजल दिकरा, मैं दरवाजा खोलने गई तो दरवाजा नीचे से बंद था। ठाकुर जी मेरे राशि का भला करे, क्योंकि उसने पहले आवाज सुनी और तुम सब लोग को बुलाया, नहीं तो पता नहीं मैं कितने घंटे यहाँ पड़ी रहती। मैं तो बहुत चिल्लाई, लेकिन किंजल तू इतना चिल्ला रही थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सुन लिया आपने, और सच आ गया ना आपके सामने किंजल बेन, बिना सोचे समझे आप राशि पर हाथ उठाने जा रही थी। अब क्या माँ ने बता दिया ना कि सच क्या था, आपको तो बस मौका चाहिए रहता सबसे लड़ने का। बस ज्यादा ज्ञान मत दो समझी तुम। क्या बस किंजल बेन, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप हर एक बात का इशू क्यों बनाती है। बिना सोचे समझे बच्ची पर हाथ उठा रही थी, लेकिन सच आपके सामने आ गया ना, अगर आज राशि नहीं होती तो बागो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम इस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि ये तुम्हारे पति की नाजायज औलाद है। बोल लिया आपने, मम्मी जी और काकी जी मुझे आज इस घर की जिम्मेदारियां देकर गई हैं, जिसे मुझे बखूबी निभाना है। इसलिए आपसे कह रही हूं, अगर आज इस घर में किसी ने भी इस घर की शांति को भंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कब से कोशिश कर रही हूं कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करूं, आपको कुछ ना कहूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो भी आएगा वो कहेंगी। मैंने काकी जी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप अगर इस घर में शांति से नहीं रहेंगी तो आप इस घर से जा सकती हैं। What? Yes, किंजल बहन, मैं आपसे ही कह रही हूं, अगर आपको इस घर में रहना है तो सुख शांति से रहिए, वरना इस घर से चली जाइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।